प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम अपने 12वें पाठ में कर सकता हूँ क्या हमने लिखित प्रश्नों को कर लिया है और आज हम बढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की ओर, जो है भाषा से के अंतर्गत आते हैं, पढ़ो और समझो। तो इसे हम करते हैं भाषा से के अंतर्गत, भाषा से पढ़ो और समझो। पहला है क, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा। आत्म सब में लगा है। आत्म का होता है अपने ऊपर विश्वास। जैसे आत्म, पहला हम लोग लिखते हैं, पहले शब्दों को लिख लेते हैं। आत्म बल, और कौन से शब्द हैं? आत्मसंतोष, आत्म संतोष, आत्मशक्ति, आत्मनिर्भर। आत्मविश्वास, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा के बाद में है आत्म का अपने ऊपर जो है, इसका अर्थ अगर कहा जाए, यह उपसर्ग है, पहले आता है किसी शब्द के। तो हमने देखा है कि जैसे आत्मबल है, अपने बल पर आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास, आत्म मतलब स्वयं पर। तो ये बने हैं, आत्म से बनने वाले शब्द हैं, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा। इनके अर्थ भी एक बार आपको समझा दें। आत्मबल, अपने बल पर है। जैसे अगला है आत्मशक्ति, अपने शक्ति पर। आत्मविश्वास, अपने विश्वास के ऊपर या अपने ऊपर विश्वास, स्वयं पर विश्वास। आत्मसंतोष, अपने संतोष के लिए। आत्मनिर्भर, जो दूसरों पर निर्भर न रहे, स्वयं पर ही निर्भर है। आत्मरक्षा, अपनी रक्षा के लिए। तो ये शब्द आत्म का हमने ये कहेंगे ये उपसर्ग के रूप में आया है, और जिस भी शब्द के आ जाता है उसका अर्थ होता है स्वयं के लिए या अपने ऊपर। अगला है प्रतिभाशाली, भाग्यशाली, बलशाली, शक्तिशाली। अभी प्रत्यय है, उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्ययशाली लग क्या है, शब्दों के पीछे शाली लगा है, इसको भी जब देख लेते हैं। ये हमारा ख है, प्रतिभा, शाली, भाग्यशाली, उसके बाद है बलशाली, फिर है शक्तिशाली।
तो शाली से मतलब का अर्थ होता है युक्त, जैसे प्रतिभाशाली प्रतिभा से युक्त, भाग्यशाली भाग्य से युक्त, बलशाली बल से युक्त, शक्तिशाली शक्ति से युक्त। तो ये थे हमारे शाली लगा करके, हमने कहेंगे ये सब शाली लगा करके प्रत्यय थे। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। पहला जो था हमारा आत्मबल, आत्म जो है वो उपसर्ग है, किसी शब्द के आगे लगकर या पहले लगकर एक नया शब्द बनाता है। तो इसका आपको ये नए शब्दों का आप अभ्यास कर सकते हैं बोल करके, और आप समझ ही गए हैं कि आत्म का अर्थ होता है अपने ऊपर या स्वयं पे। उसी तरह शाली का आपने अर्थ समझ लिया है युक्त प्रतिभा से, और हम कहेंगे युक्त जैसे प्रतिभाशाली है तो प्रतिभा से युक्त। एक बार शब्दों को दोहरा लेते हैं, आत्मबल, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भर, आत्मरक्षा। अगला है प्रतिभाशाली, भाग्यशाली, बलशाली, शक्तिशाली। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, पाठ में से वाक्यांश के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखो। दूसरा है पाठ में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द हमारा पहला है जिसका कोई अंग कम अधिक या टूटा फूटा तो दिव्यांग या विकलांग हम कह सकते हैं, दोनों ही है पहले के बुक में भी। आप विकलांग या दिव्यांग लिख सकते हैं, जो सबसे उत्तम हो सर्वोत्तम। दूसरा है जो सबसे उत्तम हो, सबसे उत्तम हो उसे कहते हैं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम।
ना हुआ हो, ना हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व, अभूत पूर्व। अगला है जिसमें बहुत प्रतिभा हो, जिसमें बहुत प्रतिभा हो, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो, जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो, यह है विश्व युद्ध, विश्व युद्ध। जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो उसे हम विश्व युद्ध कहें। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हमने कौन कौन से शब्द लिखे हैं। इसका कोई अंग कम अधिक या टूटा फूटा हो, विकलांग या दिव्यांग हम लिखेंगे। जो सबसे उत्तम हो सर्वोत्तम कहलाता है। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, इसमें बहुत प्रतिभा हो प्रतिभाशाली। जिस युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो विश्व युद्ध। तो अगला है हमारा पढ़ो समझो और लिखो, ये हमारा तीसरा प्रश्न होगा और हम इसे लिखते हैं। तीसरा प्रश्न पढ़ो समझो और लिखो, और लिखो एलाइको यह है ओलंपिक, ओलंपिक शब्द है। ओलंपिक ओलंपिक हो इस तरह भी लिखा जाता है, ओलंपिक। उसी तरह अपंग, अपंग को हम अ
अपंग, लिख सकते हैं अगला है संभव, संभव संभव को संभव इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों सही, कोई ये ना सोचे कि गलत है, सही है, दोनों ही लिखने का सही शब्द है। लंबी लंबी, ठीक उसी तरह हमारा अगला शब्द है तुरंत। तुरंत इसी किस तरह लिखा जा सकता है, रवि तुरंत। अगला है किंतु, किंतु किंतु हम इस तरह भी लिख सकते हैं किंतु। रंग, आरंभ, तो ये दोनों ही हम कहेंगे दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों शब्द सही हैं, दोनों ही सही, इनका उच्चारण में भी कोई अंतर नहीं है। तो ये था शब्दों को अन्य तरह से लिखने का एक तरीका। इसका एक दूसरा और प्रश्न है, इसका ख भाग हम चलते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्य को दो वाक्यों में लिखो। जैसे कि हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, दो संयुक्त वाक्य होता है, दो छोटे वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनता है, उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब इसमें इसका ठीक उल्टा कर दिया है, एक संयुक्त वाक्य दिया गया है, हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ करके लिखेंगे, या उसके हम ये कह सकते हैं दो छोटे वाक्य बनाएंगे। उदाहरण क्या दिया है इसको पहले समझ लेते हैं। तो अपने इसका ख भाग करेंगे, तीसरे का ख भाग। तीसरे का ख भाग है, इसका उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं पहले। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की, ये वाक्य है। और ये वाक्य क्या है, हम कहेंगे वाक्य संयुक्त वाक्य। इसको दो छोटे वाक्यों में कैसे लिखा गया है उस पर हम ध्यान देते हैं। वह 7 वर्ष तक सेना में रहा, उसके बाद उसने राष्ट्र की सेवा की। तो इसमें दोनों ही जो है बातें आ गई हैं और वाक्य हम कहेंगे सरल वाक्यों में बदल गया है। 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की, तो दो बात चीज इसमें है कि उसने 7 वर्ष तक वह सेना में रहा और सेना में कार्य करने को ही राष्ट्र की सेवा कहते हैं, उसने राष्ट्र की सेवा की। तो हम जो दिए गए वाक्य हैं उनको दो सरल वाक्यों में बदलेंगे, लेकिन याद रखना है कि उसके अर्थ में परिवर्तन ना आ जाए। जो सरल वाक्य बनाएंगे वो मिलकर के हमें वही अर्थ दें जो कि हमें एक संयुक्त वाक्य में दिया गया है। तो 7 वर्ष तक सेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की, तो इसका क्या है, वह 7 वर्ष तक सेना में रहा। दूसरा वाक्य था उसने राष्ट्र की सेवा की। तो बच्चों ये जो तीसरा का जो प्रश्न
ख भाग है, इसे हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।